हेलो दोस्तों, कुकिंग विद सलमा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे, आज हम सिखाएंगे आपको बिल्कुल दुकान वाली पाव भाजी, जो आप फुटपाथ पे ठेले पे जो खाते हैं उसी अंदाज में आप घर पे बनाएं और दुकान वाली फीलिंग घर पे पाए। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम पाव भाजी बनाने के लिए तेल डाल लेते हैं। आप घी में भी बना सकते हैं, बटर में भी बना सकते हैं, और दुकानदारी करना चाहते हैं तो आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं। फर्स्ट क्लास लगभग 300 ग्राम तेल डालें। हमारा तेल गर्म हो चुका है। लगभग 250 ग्राम प्याज है बारीक कटा हुआ, इसको हम डाल देंगे। 250 ग्राम प्याज बारीक कटा हुआ, इसमें अच्छे से हम लाल कर लेंगे। बिल्कुल प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, इसको भी हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। साथ ही साथ डालेंगे हम अदरक का पेस्ट, वो भी 2 चम्मच। हरी मिर्च पेस्ट लगभग 2 चम्मच। अब तीनों को हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, भून लेंगे। अच्छे से ब्राउन करने के बाद हम इसमें डालेंगे सारा जो सब्जी बटिंग करके रखे हुए हैं, इसमें डालेंगे। हम दिखाएंगे आपको, कोई सा भी सब्जी आप डाल सकते हैं। फूल गोभी बारीक कटा हुआ, गाजर बारीक कटा हुआ, कदीमा बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, टमाटर बारीक कटा हुआ, प्याज का पत्ता है, आप प्याज का पत्ता भी डाल सकते हैं सीजन के अनुसार। आलू उबला हुआ, इसको पेस्ट करके डालना है। आपको दिखाएंगे किस समय डालना है। आप सबसे पहले देखिए हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम गोभी बारीक कटा हुआ, सारा जो भेज है बारी बारी करके हम सारा डाल देंगे। अब इसको चला लेंगे इस तरह से, और नमक डालेंगे कि तो भेज को गलाना है, सिझाना है। नमक साथ ही साथ नमक भी डालेंगे हम, स्वाद अनुसार नमक अच्छे से हम डाल के गला लेंगे। इसको अच्छे से भूनना है, गलाना है, पूरा पेस्ट कर लेना है। देख सकते हैं इसमें नमक डाले तो थोड़ा सा पानी छोड़ा और थोड़ा सा गल चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे मसाला, के साथ साथ मसाला भी भुन जाएगा इसमें। अब इसमें डालेंगे हम सबसे पहले हल्दी पाउडर 2 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसको साथ साथ भूंजेंगे। हमारा मसाला भी साथ साथ भूंजा। प्याज जो कटा हुआ था, प्याज सग्गा प्याज, उसको भी डाल देंगे साथ साथ, इसको भी गलाना है। आप पालक का भी यूज कर सकते हैं, अभी प्याज का सीजन है तो प्याज पत्ता गोभी प्याज यूज कर सकते हैं, सग्गा प्याज। इसको अच्छे से साथ साथ भूंजे, जितना अच्छा आप इसको भूंजेंगे उतना अच्छा आपका भाजी तैयार होगा। जितना इसको आप गलाए, जितना अच्छा भूजे, आपका भाजी बेहतरीन तैयार होगा। चलाते रहे, बीच में ढक भी सकते हैं आप, और बीच बीच में चला सकते हैं ढक के बीच में बना सकते हैं, या तो बिना ढके हुए भी आप गला सकते हैं, अपना सुविधा अनुसार आप बना सकते हैं। देख सकते हैं भुंजा चुका है अच्छा, और इसमें और टमाटर के साथ भूंजेंगे, पूरा बिल्कुल गला लेना है। देख सकते हैं इस तरह से भेज जो हमारा है, सारा भेज जो सब्जी डाले थे सारा चीज चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर, टमाटर के साथ भी गलाएंगे हम अच्छे से कि टमाटर को भी एकदम गल जाए अच्छी तरह से। टमाटर पहले इसलिए नहीं दिया जाता है कि टमाटर डालने से आपका सब्जी सीजने में दिक्कत होगा, परेशानी होगा। आप टमाटर के साथ थोड़ा इसको हम गलाएंगे ढक के। आप चाहे तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं कि आपका नीचे जो जले नहीं। इसको अच्छे से हम चला के इसको ढक देंगे। अब इसको ढक के अच्छे से गला लें टमाटर के साथ। कुछ देर गलाने के बाद हम इसको हटा लेते हैं ढक्कन को, देख सकते हैं। अब इसको इसको बीच में चला लेना है, और आपका भेज यदि न गले बढ़िया से न गला हो तो आप इसको थकुच के चूर करके भी गला सकते हैं, और आपको दिखाएंगे किस तरह से इसको चूरना है। पहले हम इसमें आलू का पेस्ट डालेंगे, आलू का पेस्ट आपको दिखा देते हैं किस तरह से आलू, कितना आलू डालना है। ये हमारा 1 केजी आलू है, इसको इस तरह से चूर लेना बिल्कुल अच्छे से, आसानी से पूरा एकदम पेस्ट हो जाए। इसको इस तरह से चूर लेना बिल्कुल बारीक। बिल्कुल हमारा आलू पेस्ट हो चुका है, इसी तरह से पेस्ट करके अब इस भाजी में डालेंगे हम, दिखाएंगे किस समय डालना है। इस तरह से भून के अब हम इसमें डालेंगे, देख सकते हैं हमारा भेज गल चुका है, और जो है हम आपको दिखाएंगे किस तरह से और इसको भेज आलू डाल के अच्छे तरह से गलाना है। आलू के साथ ही अब सारा आलू हम डाल देंगे जो आलू का पेस्ट किए हुए थे। आलू जरूरी है, आलू से आपका गाढ़ापन होगा, और
लट्ठापन होगा, इसलिए आलू भी पाव भाजी में जरूरी है। जितना सारा भेज का जरूरी है उतना आलू का भी महत्व है, बिना आलू का भाजी बेकार है। इसको मिक्स कर ले अच्छे से और अच्छे से इसको पकाएं। आलू डालने के बाद इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, काहे कि पकड़ेगा, ये लट्ठापन हो गया इसमें, इसलिए आपको इसको चलाते रहना है। और चाहे तो आप थोड़ा पानी डाल के भी इसको अच्छे से भून सकते हैं। तो जो सारा आलू डाला हुआ था थोड़ा इसमें हम पानी डाल के इसको अच्छे से इसमें डाल देंगे, इसको अच्छे तरह से हम भून लेंगे। आप इससे भी थकूच सकते हैं इस तरह से, और पेस्ट कर लें अच्छे से, इस तरह से मिला के पेस्ट बना सकते हैं। इसको अच्छे से चला लेंगे, चलाते रहना है अच्छे से जब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए। आप डालेंगे हम इसमें भाजी मसाला 2 चम्मच, इसको अच्छे से भून लेंगे साथ साथ भाजी मसाला के साथ, लगभग 5 मिनट भूनेंगे भाजी मसाला के साथ। हमारा भाजी तैयार हो चुका है। अब गैस को बंद कर लेते हैं। थोड़ा सा आप चाहे तो इससे धनिया पत्ता भी छींट सकते हैं हल्का, या कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं। पाव को इस तरह से कट करके आप बटर लगा के सेक लें दोनों तरफ, इस तरह से पाव सेक लें हल्का, इसमें काला नमक हल्का बुरबुरा दें, बटर में सेक लें पाव, इसको इस तरह से आप सर्व करें। अब सर्व करने का बारी आ गया। सबसे पहले हम भाजी डालेंगे, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा नींबू का खट्टा डाल सकते हैं।